नमस्कार दोस्तों, पीसीएस रुचियों का स्वागत है। 15 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, और आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन कौन सुबह सुबह मैं जाना चाहता हूँ कि सुबह 6-7 बजे वीडियो देख रहा है, तो आप लोग गुड मॉर्निंग लिख सकते हो। जो लोग बाद में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, और लेट करें तो गुड इवनिंग और बाद में गुड नाइट कर सकते हैं। खैर, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप 15 नवंबर उम्मीद करता हूँ सब करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर्स मीन्स 45 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 35 क्वेश्चन राइट करने हैं, और अगर हमने 35 क्वेश्चन राइट कर दिए तो पीसीएस प्री हमारा रुकेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो जो गलती आप अभी तक करते चले आ रहे हो वो नहीं करनी है, करंट अफेयर्स अच्छा करना है। कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको करंट अफेयर्स रोज का पढ़ाऊं, रिविजन भी करा दूं, कुछ नया भी दे दूं आपको मैं, और अगर जीएस के साथ मैच करके आ रहा है तो भी पढ़ा दूं मैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी बहुत बड़ी समस्या इन्हीं वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि एक, चूंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पढ़ के लोग भूल जाते हैं, तो एक बार कैंपेन चलाया वो कि पढ़ा और भूलना जो है वो पाप है, तो पढ़ा और भूलना नहीं है। इसके लिए एक चीज है, एक ऑनलाइन कोर्स हम दे रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, मात्र 999 रुपए में, इसकी फीस 9919521555 है। और इसमें क्या है कि जो जितने भी क्वेश्चन है उनको टेस्ट के माध्यम से याद कराने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होगा, याद आपको जब हो जाएगा तो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। कई बार हम पढ़ते तो बहुत है पर रिटेन नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते, और वहां से गुड़गो पर मामला हो जाता है। तो इसको कर सकते हैं, ये चीज छोटी चीज है, ज्यादा बहुत बड़ा अमाउंट है भी नहीं, पूरे साल भर का कोर्स है ये। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले रिविजन पढ़ते हैं जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पे है, पहले आप यहां देखिए, मुझे मैंने पढ़ाया हुआ है। क्यूएस रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की होती है, उसमें भारत के इंस्टीट्यूट में नंबर वन रैंक किसका है, वो है आईआईटी बॉम्बे का। ठीक है, नंबर टू पे आईआईटी दिल्ली का, नंबर थ्री पर कौन था, आईएससी बैंगलोर का। अब आईआईटी बॉम्बे क्यों है नंबर वन, ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, अभी नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा वो छोटी सी कहानी जब मैंने कहा था कि आईआईटी बॉम्बे के लिए क्यों लोग पागल रहते हैं, तो वो आपको बताना। मैं भी देखूंगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितने लोग रेगुलर हैं। ठीक है, यहां पर सिर्फ आईआईटी बॉम्बे रिविजन कर रहा हूं, कहानी नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, कौन सा देश, अभी नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसमें है श्रीलंका, और एक है बांग्लादेश, और है नेपाल। ये तीन चार चीज लोग मिलकर कर रहे हैं, ये श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल मिलकर आपको 2024 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। ठीक है, चलिए, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां किस राज्य में हुआ है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, हमारे डीएनए कैसा है, यहाँ की बायोलॉजिकल चीजें कैसी हैं, उसका एक सेंटर बनाया जा रहा है जो कि हरियाणा में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा बाद में, इंपॉर्टेंट है ये। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है वो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मिहुली घोष ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था, ये पढ़ा चुका हूं, एशियन एयरगन चैंपियनशिप जो हुई थी। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है। अब देखो, मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था कि बाजरा में नंबर वन इंडिया है 41% के साथ, बट बाजरा के लिए एक और मैंने बात बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण के लिए भारत सरकार ने ज्वार बाजरा इन मोटे अनाज को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर वो जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो मिड डे मील है वहां पर कर सके। अब इससे क्या होगा, कुपोषण का जो है शिकार जो बच्चे हैं उनकी कुपोषणता कम होगी, जो बच्चों की जो गलत हैबिट है वो पिज्जा खाना बर्गर खाना, इसमें न्यूट्रिशन कमी होती है। एक चीज और बतानी है, जो हंगर इंडेक्स आया उस हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पता होगी आपको 107 है। ठीक है, पांच पैरामीटर्स होते हैं, 5-6 पैरामीटर, वो पैरामीटर्स कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसपे हंगर इंडेक्स होता है। ये मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको जब मैं हंगर इंडेक्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, तो वो आपको बताना है। इसलिए कह रहा हूं करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ लो, इस तरह से वन डे एग्जाम वाला पढ़ोगे तो फिर नहीं सिलेक्शन होने वाला। ठीक है, जरूरी नहीं कि यार इसी तरह सवाल पूछ लें वो, ना वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे जैसा एग्जामिनर हुआ था तो जो दिख रहा है वो तो कभी पूछेगा ही नहीं, मुझे जैसा एग्जामिनर हुआ तो वो तो पीछे वाला पूछ के जाएगा कि अच्छा ये तो पता ही है कि क्या है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है वो पूछ लेगा। अब आपको पता ही नहीं है, आप रट के आए वन डे एग्जाम वाला, वो तो सारे वन डे वाले एग्जाम वाले यूट्यूब के चैनल खुले हुए हैं, आप उन्हें पढ़ के आ गए। ओ भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, एक 1% से भी कम सक्सेस रेशियो है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बताना है, कुपोषण का तो हो गया, मिड डे मील, हाँ मिड डे मील किस वर्ष शुरू हुआ था और कहां से शुरू हुआ था,
ये बताना आपको मिड डे मील, ठीक है। ये सब सवाल यूपीएस पीसीएस में आ चुके हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड सम्मान किया गया? भाई शाहरुख खान से तो बड़ा आइकॉन ग्लोबल लेवल पे इंडिया को फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कोई नहीं है, तो अमन आइकॉन अवार्ड जो है वो शाहरुख को मिल जाता है। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग को आरक्षण के 70% तक बढ़ावा देने के लिए विधेयक पारित हुआ है? झारखंड। ये कल मैंने बताया था, झारखंड के अंदर 77% रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, 60% टू 77% कर दिया गया है। और अब आपको बताना है, ये परसों का करंट अफेयर सही है, मैंने जब इसमें बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन किया था कि जो 77% बढ़ा दिया गया है, इसमें जो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम है, इन्होंने एक बात बोली थी कि भाई जो ईडब्ल्यूएस का जो जजमेंट आया उसमें 50% रिजर्वेशन का जो कैप लगाया था उसको ब्रीच कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ब्रीच कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ती तो ब्रीच कर सकते हैं। हेमंत सोरेन को पता है कि अगर 77% कर देंगे तो कोर्ट में जाएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए। अब आपको यह बताना है कि जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए कहां पर इस चीज को डाला जाए जो कि जुडिशियल रिव्यू से बच जाए। और ये मैंने पढ़ाया था आपको कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्याय पुनर्वलोकन से बचने के लिए, क्योंकि सरकार कोर्ट बोलेगा 77% बहुत बढ़ा दिया है, ये तो गलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो कहां एंट्री कराई। ऐसा सीबू सोरेन ने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यही आएगा। और मैंने पॉलिटी वाला है, ये पॉलिटी है सर, ठीक है। आप आपको जाना है परसों वाला करंट अफेयर्स में देखना है, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए गौर से पढ़ो। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शहर में हरी झंडी दिखाई बेंगलुरु, मोदी जी गए थे बेंगलुरु, वहां पर चार काम किए उन्होंने, ये वंदे भारत कर लिया, एक है भारत दर्शन वाला कर लिया, इसमें वाराणसी अयोध्या वगैरह के ट्रेन चलाए उन्होंने। एक कोपेगौड़ा आपका जो टर्मिनल था बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल टू, उसको उन्होंने उद्घाटन किया है, मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में आके बहुत काम किया उन्होंने। वंदे भारत पहली ट्रेन है इंडिया की जो इसने जो बुलेट ट्रेन की स्पीड को पिछाड़ दिया था, और यही ट्रेन ऐसी जिसपे अभी भैंस टकरा गई थी तो चोट टूट आट गया था, तो लोगों ने कहा था कि यार तो बहुत ही गत्ते की बना दी है, गत्ते की नहीं बनाई थी भाई, ट्रेन अच्छी बनी है। बात है मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, मोमेंटम क्या है ये आपको बताना है। चलिए, किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आयोजन किया गया है? तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तमिलनाडु में, कावेरी है तमिलनाडु का मतलब है। किस प्लेयर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल किया गया? तो कल का करंट अफेयर से शिव नारायण चंद्रपाल क्रिकेटर है, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कर दिया गया। चलिए अब ये पढ़ते हैं कुछ आज की दो खबरें, ज्यादा नहीं है, दो खबरें हैं एग्जाम के लिए पीसेस के लिए। पहली है कोचिन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरन वेसल। देखिए अब ये जो वेसल बन रहा है ये बना रहा है कोचिन शिपयार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिन का शिपयार्ड इस तरह का बना रहा है जो कि हाइड्रोजन पे चलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगा, मतलब कि नो डीजल नो पेट्रोल चल रहा है। और कोशिश इनकी है कि जो इंडिया के नेशनल वाटरवेज हैं, अब बताओ भैया नेशनल वाटरवेज NW1 NW2 ऐसे करके 6 होते हैं, ठीक है। और आपको बताना है कि ये कौन से, क्योंकि NW1 आपको पता है, NW1 है हल्दिया टू इलाहाबाद, सवाल पूछा गया है कई बार, पूछा गया है मैथ्स ऑफ फॉलिंग वाले सवाल पूछे गए। नेशनल वाटरवेज 1 कहां से कहां तक? हल्दिया टू आपका इलाहाबाद, ठीक है। ऐसे 6 है, आपको पढ़ना है, जीके का सवाल है, थोड़ा देख लीजिएगा, ज्योग्राफी में पूछा जाता है, ठीक है। तो इन वाटरवेज को हम पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए हाइड्रोजन पे चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेसल हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, जो कि इंडिया का पहला बनाया गया है, इंडिजीनियस नहीं पहला बनाया जा रहा है। और ये कौन बना रहा है? कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, ठीक है। कोचिन कहां? केरल के अंदर है। अच्छा, वाटरवेज एक इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत आसान है। सड़क पे जब कुछ हम ट्रेवल करेंगे तो वहां पर जमीन चाहिए, फिर वेयर एंड टेयर हो रहा है, टूट फूट रही है, मरम्मत चाहिए, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। लेकिन जब आप पानी के माध्यम से सफर करते हैं, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो बहुत सस्ता पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सिल्टिंग, क्या प्रॉब्लम है? सिल्टिंग। अब सिल्टिंग क्या है? नदियां अपने साथ बहुत सारी मिट्टी या पत्थर लेकर आती हैं, जब मिट्टी पत्थर लेकर आती हैं तो ये नदी के अंदर जाती हैं, नदी में गिरने से क्या होता है कि ये जो उनका डेप्थ होती है वो कम हो जाती है, गहराई कम हो जाती है, गहराई कम होने से बड़े जहाज नहीं चल पाते इसके अंदर, और सिल्टिंग बहुत बड़ा प्रोसेस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए और सिल्टिंग की दिक्कत है कि जो कोसी है वो हर बार
अपना रास्ता बदल लेती है, तो इसलिए क्योंकि जो नदी कोसी जो है नेपाल से आती है अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आती है, इससे गहराई कम हो जाती है, पानी दाएं बाएं निकल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो सिल्टिंग, तो ये भी यही समस्या यहां पर भी है, सिल्टिंग का प्रोसेस खत्म नहीं, लगातार सिल्टिंग को हमें करना पड़ता है। डूडल फॉर गूगल, अब गूगल डूडलिंग क्या होती है, जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो और आपको लगा कि बहुत बोरिंग क्लास हो रही है और आपने कहा कि चलो मैं कुछ बनाता हूं, तो आपने ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ना पेनों से स्केचिंग करना शुरू कर दी, तो उसे कहते हैं डूडल, ठीक है। तो डूडलिंग इसे कहते हैं डूडलिंग। गूगल ने 2022 के लिए डूडलिंग का कॉम्पिटिशन कराया और उसमें कलकत्ता की श्लोक मुखर्जी को नंबर वन प्राइज दिया गया है, श्लोक मुखर्जी को नंबर वन प्राइज दिया गया है ना। और ये कॉन्टेस्ट जो था ये इन्होंने ये बनाया था क्या कि डूडल फॉर गूगल 2022 इंडिया विनर ये है, कि 2022 में किस तरह से होगा। तो ये क्लास 1 टू क्लास 10th तक का ये कॉम्पिटिशन था और इतनी बढ़िया उन्होंने डायग्राम बनाया, मैं तो कभी बना नहीं सकता, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है मेरी ड्राइंग। अब आपकी ड्राइंग कैसी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप थम्स अप कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब कि लाइक कर दीजिएगा, और मेरी तरह बहुत बकवास है तो डिसलाइक तो मत ही करना यार, ठीक है। ये है तो ये इंपॉर्टेंट है, गूगल फॉर डूडल है और श्लोक मुखर्जी ने बनाया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, छोटा वीडियो था लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है, जो मैंने क्वेश्चन आपसे बोले हैं प्लीज उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, नहीं आता तो जाके देखिए, पर्पस सॉल्व करना है ये इस बात को कि आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाए, इसलिए प्रोएक्टिव रहिए। मैं बार बार कहता हूं लिखो लिखो लिखो, इसलिए कि आप प्रोएक्टिव हो, लेटे लेटे नहीं देख रहे ऐसे करके उंगा उंगा के देख रहे हैं, तो एग्जाम में जाओगे ना दिमाग काम नहीं करता, फिर पीसीएस बनने जा रहे हो यार, बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है, इसलिए सीरियसली पढ़िए। अगर नहीं आता तो पूछ लो, नहीं आता तो देख लो आके, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो बैठने का धन्यवाद।